नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि जम्मू से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से ड्रोन दिखने की वजह से सनसनी का माहौल देखा गया है। जम्मू के मिलिट्री स्टेशन एयरफोर्स सिग्नल पर एक बार फिर से ड्रोन मंडराते हुए नजर आए हैं। अति संवेदनशील इलाकों में लगातार चौथे दिन ड्रोन दिखने से सनसनी का माहौल यहां पर देखा गया है और सभी प्रतिष्ठानों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जम्मू शहर पर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर भी लगातार नाके लगा दिए गए हैं और आज आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से यहां पर संवेदनशील तरीके से ड्रोन देखे जाने की वजह से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल देखा गया है। सभी प्रतिष्ठानों की तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक एक करके ड्रोन अगर यहां पर पहुंच रहे हैं तो किस तरह से पहुंच रहे हैं। और अब आप यहां पर यह समझिए कि जम्मू के अंदर किस तरह से सनसनी का माहौल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से जम्मू में मिलिट्री स्टेशन एयरफोर्स सिग्नल पर ड्रोन मंडराते हुए देखे गए हैं और अति संवेदनशील इलाकों में लगातार चौथे दिन यहां ड्रोन देखे गए हैं, क्योंकि चार दिन से ही ड्रोन का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी अब यहां पर आवाज जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। कल सबने देखा किस तरह से गृह मंत्रालय में भी लगातार बैठकों का दौर शुरू किया गया और उसके बाद यहां पर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मंथन किया गया, चर्चा की गई, लेकिन एनआईए की टीम को यह पूरी जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है। इस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब यहां समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जम्मू के अंदर एयरफोर्स स्टेशन पर जिस तरह से हमला होता है, दो धमाके होते हैं, उसके बाद रतनूचक कालूचक इलाके के अंदर दो ड्रोन देखे जाने की वजह से सनसनी वहां पर फैलती हुई नजर आई और अब एक बार फिर से आप देखिए चौथे दिन यहां पर ड्रोन देखे जाने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर भी नाकों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि किस तरह से यहां पर मुकम्मल तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की अगर बात की जाए तो जाहिर तरीके से वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक होने की वजह से ड्रोन यहां तक पहुंच रहे हैं। लगातार आप देखिए अब इस पर मंथन करना किस तरीके से बहुत जरूरी हो चुका है कि आखिर किन कारणों की वजह से ड्रोन यहां तक पहुंच रहे हैं। क्या जम्मू के अंदर कहीं लोकल इलाके के अंदर ही इन्हें मुकम्मल तरीके से हैंडल किया जा रहा है या फिर कहीं बाहर से ये ड्रोन पहुंच रहे हैं, इस पर अब जांच करना बहुत जरूरी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप देखिए जम्मू शहर से ही निकलकर सामने आई है, जहां पर मिलिट्री स्टेशन एयरफोर्स सिग्नल पर एक बार फिर से ड्रोन मंडराते हुए देखे गए हैं। ग्राउंड जीरो से ही अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जरा अपडेट कीजिए क्या कुछ है सूरत हाल इस वक्त। हम बात करें तो आज चौथा दिन है जो लगातार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बात की जाए इसके बारे में अभी कोई भी आर्मी की तरफ से जो है वो पुष्टि नहीं की गई। हालांकि लगातार सुबह 4 बजे कहा जा रहा था कि ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि सुनवा हो, मीरा साहब हो या उसके साथ आसपास के जो इलाके हैं उसके पास जो है 800 मीटर की हाइट पे जो है ये ड्रोन देखा गया है। हालांकि बात की जाए लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जम्मू एयरबेस के पास जिस तरह से पिछले 4 दिन पहले एक बड़ा धमाका वहां पर देखा गया था, उसी के बाद से सुरक्षा एजेंसी जो है वो पहले से पहनी नजर बनाए हुए थी। हालांकि उसके बाद भी सवाल चिन्ह ये खड़े हो रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल कहां से किया जा रहा है और किस लोकेशन से ये उठता है। कौन कौन सी टीम जम्मू पहुंच गई है अनिल? बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले जो है एनआईए की टीम जो है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची है। हालांकि बात की जाए उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में जो डीआईजी एनआईए है उनके आला अधिकारी वहां पर पहुंचेगा। हालांकि इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो डीआईजी है वो कुछ ही देर में जो है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में पहुंचेंगे और पूरे एरिया को जो है वो निरीक्षण करेंगे। कितने बजे का समय रहा था अनिल कि ये ड्रोन देखे गए हैं? उस सुबह 4 बजे के लगभग जो है अगर हम बात करें तो 4 बजे से लेकर 4:15 तक के समय पे जो है ये ड्रोन देखे गए। हालांकि लगातार कहीं ना कहीं प्रयास इस तरह से किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बड़ी साजिश अपनाई जाए। और इसी के साथ साथ हम लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों को जो है अलर्ट किया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है
जब पूरा हाई अलर्ट पर रखा गया। हालांकि सवाल ये चिन्ह खड़े होते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार नाकाम होती हुई नजर आ रही है, और क्योंकि आप देखिए कि चौथी बार यहां पर ड्रोन जो है वो देखे गए हैं और अभी तक कोई भी तस्वीरें साफ होती हुई नजर नहीं आई है कि आखिर ये ड्रोन कहां से यहां पर पहुंच रहे हैं और सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। हालांकि अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि कल जब देर शाम अगर हम बात कर रहे हो तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, उसके साथ साथ बात करें तो एनएसजी के जो अजीत डोभाल जी हैं वो वहां पर मौजूद है, उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ वहां पर मौजूद थे जो पूरे निरीक्षण कर और जम्मू कश्मीर का जो है ब्यूरो वहां पर बताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सवाल ये चिन्ह ये खड़े हो रहे हैं कि लगातार जो है डिफेंस की बात की जाए या फिर उसके साथ साथ जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, हालांकि अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में जो जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में जो है वो जांच में जुटी हुई है। भी पुलिस यहां पर पहुंची हुई है जांच को लेकर, उस हवाले से कोई जानकारी कि कहां तक उनकी जांच पहुंची है? हालांकि आशा जी उसके बारे में बात की जाए तो उनके किसी भी तरफ से कोई भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि तमाम जांच एजेंसियां जो है वो जुड़ी हुई है, चाहे वो एनएसजी हो, चाहे वो एनआईए हो या फिर स्पेशल फोर्सेस हो, उसके साथ साथ जो एंटी टेरर जो टीम है, जो स्पेशल सेल है वो वहां पर मौजूद है, लगातार निरीक्षण कर रही है और जांच जुटाई जा रही है। जो वहां पर सुराग है उनको जुटाया जा रहा है, लगातार जांच की जा रही है। हालांकि देखा जा रहा है अभी तक कोई भी इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। मिलिट्री स्टेशन के बाहर का इस वक्त क्या माहौल है? हालांकि मिलिट्री स्टेशन की बात की जाए तो मिलिट्री स्टेशन पे जो है चौक चौबंद लग दिया गया है और पूरे एरिया को जो है वहां पर सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट रखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस वहां तैनात है, उसके साथ साथ वहां पर जो है आर्मी जो है वहां पर मौजूद है, उसके साथ एयरफोर्स के जवान वहां पर मौजूद है और पैनी नजर बनाए हुए हैं। पूरे एयरफोर्स स्टेशन की बात की जाए या उसके साथ कालू चक की बात की जाए, रत्नो चक की बात की जाए या कुंजवानी क्षेत्र की बात की जाए, तो मेरा साहब की बात की जाए तो सिक्योरिटी पहली कर दी गई है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि अब देखने वाला समय होगा कि इसके बारे में क्या धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल यहां जम्मू शहर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तरीके से एक बार फिर से ड्रोन देखे जाने का मामला यहां पर सामने आ चुका है और चौथी बार अब यहां ड्रोन देखे गए हैं। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि आखिर आने वाले समय में किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मुकम्मल तरीके से दिल्ली से भी टीम यहां पर पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, एनआईए को यह पूरी तरह से जांच जो है वो सौंप दी गई है, क्योंकि कल ही जब गृह मंत्रालय के अंदर बैठक होती है, पीएम के साथ भी आपने देखा कि राजनाथ सिंह की किस तरह से बैठक हुई और उन्होंने पूरा ब्यौरा देने की बात कही और उसके बाद ही यहां पर एनआईए टीम को भेजा गया है कि मुकम्मल तरीके से एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जिस तरह से ड्रोन देखे जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पूरी तस्वीर को खंगाला जाए कि आखिर ये ड्रोन कहां से यहां पर पहुंच रहे हैं और किस वजह से पहुंच रहे हैं और कहां पर इसके तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एक बार फिर आपको बताते चले कि सर्वदलीय बैठक को लेकर बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बार फिर आप देखिए कि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में अब यहां पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीपल कॉन्फ्रेंस ने मुजफ्फर हुसैन बेग को पार्टी से अलग बता दिया है और पीपल कॉन्फ्रेंस में मतभेद उभरने के यहां संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां ये समझिए कि गुपकार गठबंधन के अंदर मतभेद तो थे ही, लेकिन अब अलग अलग पार्टियां जो गुट पूरी तरह से गुपकार का यहां पर हिस्सा बनी हुई थी उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मतभेद यहां बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले आपने देखा कि यहां पर बैठक करने का सिलसिला शुरू किया गया लेकिन उसके बाद यहां बैठकों का सिलसिला बिल्कुल थम गया और अब आप देखिए कि पीडीपी के अंदर भी किस तरह से घमासान देखने को मिला, एक एक नेता बाहर निकलते चले गए, किनारा करते चले गए। लेकिन अब बड़ी खबर यहां पर पीपल कॉन्फ्रेंस के हवाले से सामने आ गई है, जहां पर उन्होंने मुजफ्फर बेग को पार्टी से अलग बता दिया है और अब देखना यह होगा कि जब गुपकार गठबंधन एक होकर बात करने की कोशिश करेगा तो किन मुद्दों को लेकर बातें होगी और किस तरह से होगी, क्योंकि ये चर्चा लगातार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो जड़ता है वो करती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में अब एक बार फिर से यहां सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब यहां खबर जो है वो पीपल कॉन्फ्रेंस के हवाले से सामने आ गई है, जहां पर मुजफ्फर बेग को पार्टी से अलग बता दिया गया है और लगातार आप देखिए कि पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं मतभेद पनपता हुआ नजर आ रहा है, इसके संकेत मिल रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, एक तरफ पीडीपी जिसके अंदर से सारे सीनियर लीडर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन मुजफ्फर बेग पीपल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां से भी अलग बता दिया गया, क्या लगता है कि क्या मतभेद पीपल कॉन्फ्रेंस में भी पैदा हो गया?
कि आशा आम पार्टी मीटिंग के बाद इस तरह की डेवलपमेंट अब आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर प्रोविंस से। सबसे पहली बात यह कि मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और क्या पता कि मुस्तकबिल में क्या कुछ तरतीब दिया जाएगा सियासी प्रोग्राम, लेकिन अभी तक मुजफ्फर हुसैन बेग ने इनको ज्वाइन ही नहीं किया था और इमरान रजा अंसारी ने उन्हें पार्टी से अलग बताया। और बाद में जो एनालिसिस आ जाती है उसमें कहीं ना कहीं बात वहीं तक पहुंचती है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मुजफ्फर बेग के बीच में जो नजदीकियां पड़ी थी उसको दूर किया जा रहा है। यानी ऑल पार्टी मीटिंग में मुजफ्फर हुसैन बेग ने एक बात कही है प्राइम मिनिस्टर से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएमओ में मंत्री मामले का तो उन्होंने मुजफ्फर हुसैन बेग का नाम नहीं लिया था और शायद उसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस से खाते में डालना था क्योंकि एक ही स्पीकर ने बोलना था, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीनियर अब्दुल्ला ने बोला और जूनियर अब्दुल्ला को मौका नहीं मिला। जिसके बाद डॉक्टर के बाद मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बल्कि एज फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको यहाँ पर निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता बाकी जो ट्रांसफर उनकी तरह तलब किया गया है। जिसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग ने जब अपनी तकरीर शुरू की उन्होंने कहा कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में हल हो जाता है, बाबरी मस्जिद का मामला तो 30-40 साल तक टला, जब तक ये मामला टलेगा तब तक आपको 35(1) को कहीं ना कहीं देखना होगा और जम्मू कश्मीर में 371 पर भी आर्टिकल पर भी बात करनी होगी। जिसके बाद जो ही बाकी वीडियो बाहर आए और कश्मीर में आपको पता है कि यहाँ का मौसम अजीब और गरीब है और यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने शायद मुजफ्फर हुसैन बेग को अपने खाते में डाला था और सजाद गनी लोन की ही बात जो है उसको फाइनल माना जाना था, जिसका मुजफ्फर हुसैन बेग ने दिल्ली में विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पार्टी के साथ अभी ज्वाइन नहीं किया है। आपको याद होगा कि मुजफ्फर हुसैन बेग जब पीडीपी से अलग हुए थे तब से लेकर आज तक कोई भी आपस में बयानबाजियां नहीं हुई है, एक लेवल था जो महबूबा मुफ्ती के लेवल से था और 20 साल तक जिस मुजफ्फर बेग ने पीडीपी में दिया था या सियासत में 40 साल दिए हैं अभी तक आपस में नोक झोंक का मामला नहीं पड़ा, यानी अदब एहतराम का पूरा तकाजा रखा गया। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से इमरान रजा अंसारी जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस रिलीज जारी की, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी से निकल कर दूसरी पार्टी में जाने लगे हैं शायद वहां के सियासी नेता। लेकिन जमुल, जो बड़ा दावा यहां पर पेश किया जा रहा है कि गुपकार गठबंधन एक है, लेकिन गुपकार गठबंधन के अंदर जो पार्टियां हैं वो एक होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही? पीडीपी के अंदर आप देखिए क्या हाल है, किस तरह से घमासान है, पीपल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। कल अपनी पार्टी के कदावर नेता अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक के अंदर जो कुछ हुआ है वो सारा बाहर आकर झूठ बताया जा रहा है, तालमेल कहा है, क्योंकि आम जनता की भलाई तो तालमेल से होगी अगर गुपकार गठबंधन को एक होकर सामने आना है तो। गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर में सियासी इख्तलाफ राय रखने के बावजूद तश्कील दिया गया है, तालिकामी की अपनी सियासत है, सीनियर अब्दुल्ला की अपनी सियासत है, बीटीपी की अपनी सियासत है, पीएम की अपनी सियासत है, लेकिन इसके बावजूद ये लीडरान इकट्ठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल को देखने के बाद। लेकिन जब आप गठबंधन को इकट्ठा देखना चाहते हैं, उनकी ओपिनियन इकट्ठा देखना चाहते हैं, ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एक पार्टी में आप एक पार्टी के नाम भी गिने सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलना पड़ता है जम्मू कश्मीर के आवाम के इज्तिमाई मामला को देखकर। गुपकार गठबंधन में ओपिनियन डिफरेंट है। तो जमुल ये बताइए, जो मतभेद था वो जम्मू से ही शुरू हुआ था या फिर सर्वदलीय बैठक में बोलने का मौका नहीं मिला तब जाकर मतभेद पैदा हो गया और अब यहाँ पर पार्टी से किनारा कर दिया गया पीपल कॉन्फ्रेंस के अंदर से, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो पार्टी का हिस्सा थे ही नहीं। देखिए, मुजफ्फर हुसैन बेग से अलग होने के बाद अभी किसी पार्टी को नहीं किया है, सजाद गनी लोन अपने रीरान के उनके घर पे आए हैं और चाय का कप पीने के बाद सजाद लोन ने 30 सेकंड की बाइट दी, उन्होंने इससे आगे नहीं बोला। सजाद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी विरसे में पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो पैदावार है, उस मुजफ्फर बेग का भी रुख रहा है और उनके वालिद मरहूम अब्दुल गनी लोन के साथ साथ रहे हैं। यादव ने कहा कि वो सियासी रिश्ता है उनके साथ, उनकी हिस्सेदारी मांगने आए, यानी सजाद लोन चाहती थे मुजफ्फर हुसैन बेग आए और इसको लीड करें फ्रंट से, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग चाहते हैं मरहूम अब्दुल गनी लोन का लेगेसी जो है वो बेहतर से सजाद लोन चला सकता है, मरहूम अब्दुल गनी लोन के रिश्ते जो मुजफ्फर बेग के साथ रहे उसमें उन्हें और फायदा हो सकता है। लेकिन मुजफ्फर बेग ने उस वक्त भी कहा था कि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। तो जमुल ये बताइए कि अब जितनी भी यहाँ पर सरगर्मियां देखी जा रही हैं और सारे लीडरान यहाँ पर सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं कि आम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, ये बताइए।
आम जनता के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान ने इलेक्शन पर हाँ कर दिया है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन अपनी जगह, स्टेट फूड और टिप्पणी से 307 अपनी जगह, जब प्राइम मिनिस्टर और वजीर दाखिला ने इलेक्शन के हवाले से फीडबैक मांगना चाहे उसमें किसी का इबाम नहीं है। मुजफ्फर बेग ने हाँ की है, महबूबा मुफ्ती ने हाँ की है, फारूक अब्दुल्ला ने हाँ की है, अमर अब्दुल्ला ने हाँ की है, यानी बीजेपी ने हाँ की है, गुजरात कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने हाँ की है, यानी जम्मू कश्मीर के आवाम के इज्तिमाई मामला हल करने के लिए कोई रास्ता खुल सकता है। लेकिन अल्ताफ बुखारी ने तो कल सबका पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी बातें सर्वदलीय बैठक में हुई हैं वो सच सच आम जनता को नहीं बताई गई हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बताया जा रहा है, अपने तरीके से बयानबाजी की जा रही है। और इसका सबूत आप 2019 को ले लीजिए, 5 अगस्त को जो हुआ था, जब उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए पहुंचते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, और बाहर आकर यह बताया जाता है कि कुछ नहीं होने वाला, और महज ही कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद एक बड़ा फैसला जो है वो सुनने को मिलता है, तो किस तरह से आम जनता भरोसा करेगी इन लोगों पर, ये सवाल है। सईद अल्ताफ बुखारी की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी पे थोप नहीं सकते, ना बीजेपी ना कांग्रेस पार्टी। अल्ताफ बुखारी दिल्ली गए, इससे पहले भी जाते रहे, कल भी उन्होंने अपनी की तो पहले ही कहा जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी के वाले लोगों को नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पूछे जाने पर कि लीडरों ने बाहर आते 370 पाकिस्तान के साथ बातचीत पर उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा नहीं बोला गया, बल्कि रेफरेंस के तौर पर महबूबा मुफ्ती ने कहा 370 मुल्क के साथ इंतजाम होने की जमानत थी, और हमारे मुल्क के साथ बेहतर रिश्ते से हिंदुस्तान जो है इकतसादी तौर पर और बेहतर हो सकता है। यानी बात वही पहुंची कि आप हमसायों के साथ रिश्ते बेहतर कीजिएगा। लेकिन सईद अल्ताफ बुखारी की आपकी आज है, पहले कहते हैं कि लीडर ने देर करी, जब 14 मार्च 2020 बुखारी ने एक पेशकश की थी, उसके बाद यहाँ के लीडरशिप ने कहा नथिंग लेस देन 35 एंड 37। लेकिन अल्ताफ बुखारी को अपना पार्टी स्टैंड एक्सेप्ट करना है, विरोध नहीं करना है, नहीं उभरती। लेकिन भीम सिंह भी तो बात करते हुए नजर आए थे तजमुल, सबसे पहले खुलासा यहाँ पर पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो भीम सिंह की तरफ से ही किया गया था कि किसी ने भी आम जनता की भलाई के लिए कोई बात नहीं रखी है, अपने अपने मुद्दों को लेकर बात की गई, लेकिन उस पर भी किन्ही मुद्दों पर सहमति यहाँ पर बनती हुई नजर आई, यानी एक लॉलीपॉप वहां से मिला और यहाँ पर आकर पहुंच गए और बयानबाजी अलग अलग से करने की कोशिश की गई, ये भीम सिंह की तरफ से भी कहा जा रहा है, और साथ ही साथ आम जनता जो कि केंद्र शासित प्रदेश की जनता है वो कहती हुई अब नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं सियासतदानों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या नहीं? देखिए, आर पार्टी मीटिंग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मान्य रखती थी, बट कांग्रेस पार्टी पार्टी क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बेहतर लीडरशिप डिटेंशन थी, खुद महबूबा मुफ्ती को एनआईए लोगों ने तलब किया और पीडीपी में सब ठीक ठाक नहीं था। लेकिन उसके बाद पीडीपी साथ बाहर आई, उन्होंने कहा उसके बाद जब तक जम्मू कश्मीर में सियासत का कंसेंसस बनता है तब तक आप डेवलपमेंट पहुंचेगा, तब जम्मू कश्मीर के हवाले से जो नुकसान पहुंचे हैं ये उन्हें बाहर रखा। लेकिन अब विप्लव सिंह जी आजाद साहब और बाकी ये पूछते हैं कि अंदर ऐसी बातें हुई तो हमारी बात को तो वो नोट नहीं करते, लेकिन जितना उनके जहन में था कुछ मुद्दों को लेकर एकजुट होकर बात करने की बहुत जरूरत थी तजमुल, अपनी सियासत को एक परे रखते हुए, आम जनता की भलाई को मद्देनजर रखते हुए एकजुट होकर अगर एक मुद्दे को पकड़ा गया होता तो जाहिर तरीके से उस पर सहमति जरूर बनती जो सियासतदानों की तरफ से वहां पर नहीं किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद तजमुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता हमारे साथ तजमुल जुड़े हुए थे, जो पूरी तरह से हमें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरतेहाल केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जैसे ही सर्वदलीय बैठक हुई है उसके बाद एक एक करके पार्टियों की तरफ से यहां पर बयानबाजी की जा रही है, और उसके साथ ही आप देखिए किस तरह से मतभेद जो है वो अब देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ा यहां पर आप देखिए जो गोपकार गठबंधन निकलकर सामने आया है उसमें जितनी भी पार्टियां भाग ले रही हैं वो कहीं ना कहीं अब कश्मकश का माहौल झेलती हुई नजर आ रही है और आपसी मतभेद का यहां शिकार होती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में जनता भुगत सकती है। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आज एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि सूरतेहाल सांबा के अंदर क्या कुछ है वो जान लेते हैं, क्योंकि सांबा में पिछले एक हफ्ते से बिजली की कटौती से हाहाकार मची हुई है और तपती गर्मी की वजह से यहां पर 6-6 घंटों के कट्स लगाए जा रहे हैं, और जिले की सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों ने यहां प्रदर्शन कर दिया है और जाहिर तरीके से बिजली विभाग ने लोड बढ़ाने का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया है कि लोड बढ़ने की वजह से आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं,
लेकिन बिजली विभाग की तरफ से इसके लिए कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 6-6 घंटे का कट आप ये समझिए कि तपती धूप और इतनी ज्यादा गर्मी के मौसम में अगर 6 घंटे का कट लगाया जाता है तो दूर दराज के इलाकों के अंदर लोगों के क्या हाल हो रहे होंगे, शहर के अंदर लोगों के क्या हाल हो रहे होंगे, वो वही लोग बता सकते हैं जो लोग इस पूरी परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप देखिए, जिला सांबा से निकलकर सामने आ रही है जहां पर बिजली विभाग की तरफ से लगातार कटौती की जा रही है और ये कटौती आप देखिए कितने लंबे लंबे कट्स में डिवाइड कर दी गई है। 6 घंटे का कट अगर एक ही साथ में लगाया जाता है तो जाहिर तरीके से त्राहिमाम मचना लाजमी है, लेकिन अब यहां जिला सांबा की जनता हाहाकार मचाती हुई नजर आ रही है, हाहाकार में इस वक्त देखी जा रही है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आखिर बिजली विभाग की तरफ से इस पर मुकम्मल तरीके से काम क्यों नहीं किया जा रहा, मात्र यहां बिजली का लोड बढ़ने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऋषि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आप आवाज नहीं आ रही है। ऋषि, सवाल यह है कि जिस तरह से बिजली विभाग यहां पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, कितना जायज है, क्योंकि 6 घंटे का कट बहुत ज्यादा होता है। देखिए बिल्कुल, जब भी गर्मी आती है तो लगातार बिजली के लिए हाहाकार मचना शुरू हो जाता है और यहाँ पर यह हवाला दिया जाता है बिजली विभाग की तरफ से कि ओवरलोडिंग जो वो लगातार होती है, उसी की वजह से जो बिजली के कट है वो होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार बिजली के अनियमित कट किए जा रहे हैं, अनशेड्यूल्ड पावर कट से लगातार दिखे जा रहे हैं और पिछले हफ्ते से लगातार ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो आधा घंटा बिजली की जो सप्लाई है वो सुचारू रहती है, 6-6, 7-7 घंटे जो बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप रहती है और लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। दूसरी तरफ आपने देखा कि लॉकडाउन की अभी लोग जो थोड़ा सा उभर कर सामने आए हैं, जिंदगी पटरी पर होना शुरू हुई, काम शुरू हुए, लेकिन बिजली ना होने के कारण कोई भी काम नहीं चल रहा और लगातार लोगों का अब ये जो हाल है वो बुरा होता जा रहा है। और जब भी अफसरों के साथ टाई अप करने का प्रयास करते हैं और अफसरों की तरफ से ये पल्ला झाड़ दिया जाता है कि हम तो मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई भी मेंटेनेंस होती हुई नजर नहीं आती और लोगों को सिर्फ एक जो वो आश्वासन जुटा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही उनका कहना है कि ओवरलोडिंग ज्यादा है, इससे हम जो है वो सप्लाई बिजली की आपको नहीं दे पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर इसी के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ साथ आज हम बात करें तो पंच सरपंच सांबा के इकट्ठे हुए और उन्होंने आज बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो बातें जितने भी अफसर शाही लोग करते हैं ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि ना तो वो फोन उठाकर राजी है ना वो किसी की बात सुनते हैं, तो आखिर वो जनता किसको अपनी बातों को पहुंचाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी का कोई हल बिजली विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा। जरूरत थी ऋषि, क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोग इस वक्त परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब भी गर्मी आती है तो लोग इस परेशानी से जूझते हैं, लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से बिजली नहीं होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी काम जो है वो नहीं होगा। दुकानदारों का काम जो है बिजली के बिना नहीं हो पा रहा। यहाँ किसानों की बात करें तो वो जो धान की खेती कर रहे हैं इस समय, उनके खेतों में पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, पंप सेट को जो वो नहीं चला पा रहे, परेशानी से गुजरना पड़ रहा है और प्रशासन को इस पर संजीदगी बरतना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात यहां जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर बिजली विभाग क्यों काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तरह से अनशेड्यूल कट्स यहां पर लगाए जा रहे हैं तो जाहिर तरीके से परेशानी के दौर से आम जनता गुजरती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से रुख करेंगे जिला कठुआ का। कठुआ से भी आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर अब किस तरह से सूरत हाल है वो आपको बता देते हैं। लगातार आप देखिए कठुआ से ही बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है और अहम सवाल यहां पर यह है कि कल प्रवेश द्वार लखनपुर में किस तरह से देखा गया कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, तो जिला कठुआ में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप में यहां अब मुकम्मल तरीके से इसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है और जिले में 24 घंटे में भी आप देखिए पॉजिटिव मामले सामने यहां पर अभी तक नहीं आए हैं। लखनपुर फिलहाल अभी भी रेड जोन में रखा गया है और जिले में एक्टिव पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 42 बताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, लगातार अब कठुआ के अंदर कोरोना का जो अंत है वो होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लखनपुर में भी रेड जोन को अभी बढ़ाया तो गया था लेकिन मुकम्मल तरीके से पॉजिटिव केस अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक्टिव पॉजिटिव मामलों की 42 संख्या यहां पर हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से अब सूरत हाल है। सरबजीत, सवाल यह है कि जिस तरह से अब कोरोना मामलों में कमी आई है तो कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलती हुई नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो कठुआ में लगातार जो कोरोना के मामले हैं उनमें गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। कुल 44 मामले जो है कठुआ में रह चुके हैं और 24 घंटे की बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से आंकड़ा जारी किया जाता है, उससे कठुआ का कोई भी मामला जो है वो नहीं सामने आया। कहीं ना कहीं रात कठुआ के, लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के प्रति अगर बात करें तो यहाँ जो है अभी भी तरह से बदबू जारी है। किसी भी तरह से प्रशासन जो लेना चाहता है त्याग तौर पर जितने भी लोग बात कश्मीर में आ रहे हैं आपकी सैंपलिंग और जांच के बाद को जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति। लेकिन सरबजीत, यहाँ पर 42 संख्या अभी भी पॉजिटिव मामलों की है, तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है आम जनता को। जी बिल्कुल, जिस तरह से मामलों में कमी तो जिला में एक्टिव है, लेकिन ये मामले ऐसे हैं कि इनमें से सिर्फ जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती जिनको जरूरत है घर पर ही इलाज जो है वो चल रहा है। लेकिन प्रशासन की ओर से भी दो टूक यही कहना है कि जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना के संक्रमण को हल्के में नहीं लेना होगा। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि इस कोविड की महामारी से बचा जा सके। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि अगर मामलों में कमी आई है फिर भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक कोरोना से पार नहीं पाया जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको बताते चले कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से कुछ परिवारों को जिंदगी भर के लिए यहां आंसू दे दिए गए हैं। हाईवे पर आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि इतने ही यहां पर घायल हो गए। और हाईवे पर जिला रामबन के अंतर्गत खूनी नाला इलाके में आज एक वाहन गहरी खाई में गिरने की वजह से उसमें सवार 4 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। और इस हादसे में कुछ श्रमिक लापता भी हो गए हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और आप देखिए, दरअसल जानकारी के अनुसार ईंट भट्टों पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को महिंद्रा गाड़ी में लादकर यहां पर जम्मू से श्रीनगर की ओर ले जाया जा रहा था। और जहां आज सुबह 5:30 बजे के करीब रामबन जिले के खूनी नाले इलाके में गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिर गई और गाड़ी गहरी खाई गिरने की वजह से हादसा पेश आ गया। और हादसा की वजह से यहां हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 श्रमिकों के मारे जाने का समाचार यहां देखा गया है, सब खबर जो है वो सामने आई थी, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए थे जिनका इलाज रामबन के जिला अस्पताल में जारी रखा गया है। और सड़क हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और सेना की QRT टीम सहित रामबन पुलिस के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया गया। और इस हादसे में घायल श्रमिकों की पहचान नारायण माझी, दिनेश कुमार, मेघालाल और 2 वर्षीय आर्यन पुत्र दीपक साहू निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में की गई। सर, हम जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे में और हम कुल 8 बंदे थे, मतलब 8 थे सभी करके। फिर पता नहीं हम लोग का सो गए हम लोग और नींद आ गई तो सुबह होते ही गाड़ी जो टाइम मर गया और हम 8 थे और 4 मर गए, 4 बच गए। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि रामबन में जो हादसा पेश आया है अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल कारणों का पता चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि आए दिन यहां पर हादसे जो है वो पेश आ रहे हैं और ड्राइवर्स की अगर गलती है तो नकेल कसे जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए कुलस्तान न्यूज के साथ।